इन गर्मी की छुट्टियों में बच्चे एंजॉय कर पाएंगे एक और एनिमेटेड फिल्म, यानी बच्चों की पसंदीदा एनिमेशन फिल्म की कैटेगरी में एक और नाम जुड़ गया है। बच्चों की बनी फिल्म घटोत्कच रिलीज होने को तैयार है। हाल ही में मुंबई में इस फिल्म का म्यूजिक लॉन्च किया गया। कौन बचाएगा धरती को इस प्रलय से? डोंट वरी प्रभु, मुझे धरती मैया के पास जाना है। ठीक है, तुम नीचे जा सकते हो, लेकिन तुम्हें मानव रूप में जन्म लेना होगा। मुझे सब मंजूर है भगवान। अब तक हनुमान और गणेशा जैसी कई एनिमेटेड कैरेक्टर्स ने बच्चों का खूब मन बहलाया। रामायण और महाभारत जैसी महागाथाओं पर एनिमेशन फिल्में बनने के बाद मनोरंजन के इस तरीके को दर्शकों ने भी हाथों हाथ लिया है। इसी से उत्साहित निर्माता निर्देशकों के बीच एनिमेशन फिल्में बनाने की होड़ सी लग गई है। अब इस कड़ी में एक और नाम जुड़ गया है और वो है घटोत्कच। मैं हूँ घटोत्कच, मैं दुनिया में सबसे निराला। घटोत्कच एक बड़े बजट की फिल्म है जिसे फिलीपींस, सिंगापुर, ब्रिटेन, कनाडा और भारत में बनाया गया है। हाल ही में इस फिल्म का म्यूजिक लॉन्च किया गया मुंबई में। फिल्म के डायरेक्टर संगीतम श्रीनिवास राव ने आखिर घटोत्कच को ही क्यों एनिमेशन में उतारने का फैसला किया, चलिए उन्हीं से जानते हैं। दिस घटोत्कच इज फन लिविंग, व्हिच किड इन द वर्ल्ड डजंट लाइक फन, एंड ही हैज गॉट मैजिकल पावर्स, व्हिच किड इन द वर्ल्ड डजंट लाइक मैजिक, एंड दिस घटोत्कच लाइक्स टू ईट अ लॉट ऑफ फूड, व्हिच ही डजंट लाइक टू ईट फूड। Whatever Ghatotkach does, all the kids want to do. So that's the fun. लगभग डेढ़ घंटे की इस फिल्म में आपको एनिमेशन के कुछ सबसे बेहतरीन इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। साथ ही इस फिल्म में 8 गाने भी हैं और ये फिल्म एक साथ 6 भाषाओं में रिलीज हो रही है। वैसे भारत में जब से एनिमेशन फिल्मों की शुरुआत हुई है तभी से ये बच्चों के बीच काफी लोकप्रिय रही है। यही वजह रही कि फिल्म हनुमान के अच्छा कारोबार करने के बाद ऐसी फिल्मों में निर्माता निर्देशकों की दिलचस्पी काफी बढ़ गई है। घटोत्कच भी ऐसी ही फिल्मों में से एक है जो महाभारत के कैरेक्टर भीम के बेटे घटोत्कच पर बनाई गई है। खास बात ये है कि हनुमान के लिए जिस नन्हे श्रवण ने अपनी आवाज दी थी, घटोत्कच का टाइटल सॉन्ग भी उसी ने गाया है। आपने गाया उसके लिए टाइटल ट्रैक। हाँ। गाने में कितना मजा और क्या तैयारी की आपने? कुछ तैयारी नहीं की, मैं बस गया और अंकल ने मुझे बस स्क्रिप्ट दिखाया। अच्छा, तो ये बताइए उसके लिरिक्स को आपको पसंद आए, घटोत्कच जो कैरेक्टर है आप फिल्म देखना चाहेंगे? एनिमेशन फिल्म की पॉपुलैरिटी को देखते हुए अब तो बॉलीवुड की कई फिल्मों को भी एनिमेशन में उतारने का मन बनाया जा रहा है। जिसमें से एक है फिल्म एक खिलाड़ी एक हसीना का एनिमेटेड वर्जन। ऐसे में गर्मी की छुट्टियों को देखते हुए इस फिल्म के अच्छे कारोबार की उम्मीद की जा रही है। बहरहाल ये फिल्म 23 मई को रिलीज की जाएगी। शिखा चौहान, मुंबई, IBN 7।